चिरगांव में जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक चिंतन सभा का आयोजन किया गया। चिरगांव में जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बाबू सिंह कुशवाहा, पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवशरण कुशवाहा ने सभा का शुभारंभ किया। सभा में युवकों की बेरोजगारी व कर्ज के कारण आत्महत्या करते किसानों व महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चर्चा व चिंतन किया गया। बाबू शिवशरण कुशवाहा ने कहा कि जब वोट देने का अधिकार हम सबका है तो हमारे साथ आरक्षण को लेकर भेदभाव क्यों किया जा रहा है। हम सभी को भी सरकार के द्वारा मिल रही सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारे देश के नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आए दिन बलात्कार, छेड़छाड़ जैसे संगीन अपराध हो रहे हैं और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इसके अलावा वक्ताओं ने पानी की समस्या, अन्न प्रथा जैसी समस्याओं के लिए बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए। इस पार्टी का कहना है कि इस पार्टी को उन्हें अति पिछड़े, अति शोषित और अल्पसंख्यक इन सबको अधिकार दिलाने के लिए हम लोगों ने एकत्रित हुए हैं और जो हम लोगों के शोषण हो रहा है, जो हमारी हक की लड़ाई है उसके लिए अन्न प्रथा रोकने के लिए अहाते खुलवा रहे हैं, सरकारी गौशाला खुलवा रहे हैं, लेकिन हमें तो नहीं लगता है जिस तरह से किसानों की फसलें चौपट हो रहे हैं, रात दिन किसान अपनी फसल ताकता है, इसके बावजूद भी उनकी फसलें नहीं बच पा रही हैं। न्यूज़ बीके के लिए चिरगांव से नाजमा आब्दी की रिपोर्ट।